वर्ल्ड की सबसे एक्सपेंसिव क्रिकेट किट की मैंने अनबॉक्सिंग करी थी, और उसके बाद डिफरेंट ब्रांड्स की, चाहे वो ग्रीन निकल्स हो, चाहे वो SG हो, सबकी आपने अनबॉक्सिंग देखी। लेकिन एक ब्रांड जो कि हिंदुस्तान की टॉप ब्रांड्स में आता है और जिसको लेके आपका ट्रस्ट फैक्टर आज से नहीं कई सालों से है, और आई थिंक उसका अब समय आ गया है, और मैं बात कर रहा हूँ किसकी, SS की। तो मैंने एक किट बनाई है जो कि स्पेसिफिकली SS का पूरा स्टफ है उसमें, लाइक राइट फ्रॉम पैड्स, ग्लव्स, हेलमेट, बैट, सब कुछ SS का है। तो काफ़ी लोग एक ही ब्रांड को यूज़ करना चाहते हैं, तो मैंने ये सारा स्टफ आपके लिए निकाला है, और मेक श्योर किया ये सारा का सारा SS का स्टफ क्वालिटी हो, और जिसको आप वेयर करके और आप इसको यूज़ करके आप अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं, और यस आप इसे सेटिस्फाई होने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट राइट अवे। तो SS की बात कर रहे थे हम, तो SS का ये किट बैग, फ्रेश किट बैग, जिसकी आज मैं अनबॉक्सिंग करूंगा। सबसे पहले तो किट बैग पे ही चले जाएं अगर हम, तो ये सुपर सिलेक्ट किट बैग, अभी राइट नाउ इंडियन क्रिकेट टीम के काफी प्लेयर्स, लाइक मैसिव प्लेयर्स, राइट फ्रॉम रोहित शर्मा टू विराट कोहली, जितने भी टॉप प्लेयर्स हैं वो इस किट बैग को कहीं ना कहीं यूज कर रहे हैं। फर्स्ट क्लास सर्किट में भी बहुत यूज हो रहा है, तो अगर आप पर्सनल यूज में इसको लेके आए तो आई थिंक आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे। इसके क्या क्या फीचर्स हैं, इसमें क्या क्या एक्स्ट्रा चीजें हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। और इस किट बैग के अंदर पूरा सामान मैंने SS का लोड किया है। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मैं बोलना चाह रहा हूँ कि SS का सामान लोड किया है। उससे क्या होगा, उससे क्या होगा, मैंने काफी लोगों को सुना है यार मुझे एक ही किट चाहिए, राइट फ्रॉम, अगर आपको SG से खेल रहे हैं तो पूरा SG का सामान चाहिए, SS का चाहिए। लेकिन मेरे हिसाब से ये जो एडमिट नहीं होना चाहिए, कभी कभी आपको, कभी कभी कोई चीजें ऐसी हैं जो कि दूसरी कंपनी बेटर बनाती है उस स्पेस में। तो जितने भी एस्पायरिंग क्रिकेटर्स हैं और जितने भी प्रोफेशनल्स हैं और जो कि शौकीन भी क्रिकेटर्स हैं, तो आई थिंक वो इस किट बैग में आई थिंक सेटिस्फाई हो जाएंगे जब वो देखेंगे पूरा एक किट बैग का जो सामान स्टफ है, टोटली वर्ल्ड क्लास है, और आप इसको बड़ा ही इंजॉय करेंगे। तो मेक श्योर करें लाइक जरूर कर सब्सक्राइब करें, क्योंकि जितना आप ये लाइक और सब्सक्राइब करेंगे उतना ये वीडियो ज्यादा लोगों में पहुंचेगा। इतनी सड़ी गर्मी में आपके लिए जो मैं कर रहा हूँ यार, कम ऑन यार, ये आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, आपके प्यार की वजह से कर रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं राइट अवे। तो मैंने यहाँ पर आपके सामने, आई विल ओपन इट, एंड व्हाट इज दिस, SS का हेलमेट। SS का हेलमेट मैं आपके सामने यहाँ पर बिल्कुल लाइक फ्रेश, लाइक अभी अनपैक ही आपके सामने करूंगा, ताकि आपको इजी हो नेक्स्ट टाइम जब आप SS के हेलमेट परचेज करने जाएं, आप यूज करना चाहें। तो दिस इज द हेलमेट आई एम टॉकिंग अबाउट SS का। और जो SS जनरली आप नोटिस करिए, स्पेशली ऑन द इंटरनेशनल सर्किट, इतने SS के हेलमेट अभी यूज नहीं कर रहे हैं प्लेयर्स पर। लेकिन अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, अगर आप क्रिकेट अपना यू नो यू आर एस्पायरिंग क्रिकेटर हैं, तो आई थिंक SS का सामान इस पर भी यू कैन ट्राई। SS का हेलमेट ये रहा, और यू कैन सी इट। और इसमें मुझे क्या पसंद आया कि एक तो वैल्यू फॉर मनी, एंड द बेस्ट पार्ट इज इसकी जो कुशनिंग अंदर से मुझे लगी इस SS हेलमेट की, और साइज भी डिफरेंट साइज में अवेलेबल है, और जो विजिबिलिटी भी मुझे परफेक्ट है। किसी किसी की ग्रिल हल्की सी दिक्कत आती है ग्रिल में, लाइक विजिबिलिटी में, तो आई थिंक विजिबिलिटी वाइज एंड ब्रीदेबिलिटी भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। ब्रीदेबिलिटी से मेरा मतलब है कि जब आपके सर में जब आप हेलमेट वेयर करते हैं और ज़्यादा स्वेट करें और ज़्यादा फिटिंग में प्रॉब्लम हो, कुशनिंग अच्छी ना हो इस पूरे एरिया में, तो यू विल फील अनकंफर्टेबल, स्पेशली इतनी सड़ी गर्मी में। राइट नाउ मैं शूट कर रहा हूँ तो कम से कम 40 डिग्री यार टेम्परेचर होगा, तो ऐसी टेम्परेचर में ऑब्वियसली आपको खेलना है, मई जून में भी खेलना है, तो आपको हेलमेट ऐसा चाहिए जो काफ़ी लाइट हो और जिनकी कुशनिंग बेटर हो, आराम से ज़्यादा स्वेट ना करें। तो ये सारे के सारे चीज़ों में आई थिंक ये अच्छा कर रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या कि इतने प्राइस में 5000 रुपीज में एक क्वालिटी हेलमेट फ्रॉम SS, ये रहा पहला, तो इसको आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। SS की इस किट में आई हैव स्टार्टेड विद, किससे, हेलमेट से स्टार्ट किया है, और अब नेक्स्ट स्टफ पे वी विल गो राइट अवे, और वो रहेगा ग्लव्स, SS के ग्लव्स। आपने देखा होगा सूर्य कुमार यादव इस तरह के ग्लव्स यूज कर रहे हैं इस पैटर्न में मुंबई इंडियंस के लिए जब वो खेलते हैं, तो अक्सर उनको आपने देखा होगा कुछ इस तरह के ग्लव्स पहने हुए, स्काई के फेवरेट हैं फ्रॉम SS। तो और इस ग्लव्स में भी आई थिंक क्या लगा मुझे इस ग्लव की अच्छी बात, मालूम क्या लगी, इसकी फिटिंग। और अगर ग्लव्स की फिटिंग कमाल है तो ऑब्वियसली आप एज अ प्लेयर जब आप बैट को होल्ड करते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि आपके ग्लव्स की फिटिंग कमाल हो, और यू विल फील कम्फर्टेबल। बिल्कुल फ्रेश पीसेस हैं, यू कैन सी अभी भी इसमें टैग्स तक लगे हुए हैं जो SS ने यह सामान भेजा है आई थिंक, और जैसे हमने उसको सेलेक्ट किया, जैसे जैसे मुझे पर्सनली पसंद आया, तो सारा ये मेरा हैंड पैक है जो मुझे पसंद आया कि मैंने बोला ये सामान आई थिंक असेंबल करा फिर मैंने आपके लिए SS का। तो दिस इज द ग्लव्स, ये ग्लव्स है सुपर टेस्ट फ्रॉम SS, जो कि देखने में भी अच्छे हैं
और सबसे इम्पोर्टेंट क्या, दिखने से इम्पोर्टेंट ज़्यादा क्या होता है कि आपको कितना कंफर्ट महसूस हो रहा है इस ग्लव्स में। तो आई थिंक वेरी कंफर्टेबल और देखने में भी आप यू कैन सी इट हियर, स्काई इज वेयरिंग दीज, स्काई जब मुंबई खेल रहे हैं तो वो ये कहते हैं सुपर टेस्ट फ्रॉम SS। और प्रोटेक्शन वाइज भी देखिए, प्रोटेक्शन वाइज भी मुझे बहुत क्वालिटी लगे, जो उसकी लाइक जो उसमें कुशनिंग हुई है बहुत ज़बरदस्त कुशनिंग है, ऊपर देखिए जो प्रोटेक्शन लेयर है वो बड़ी कमाल है। एंड यू विल यू नो फील कंफर्टेबल वाइल फेसिंग रियल क्विक बॉलर्स, तो उसमें ये ग्लव्स भी सारे बॉक्स टिक करेगा अगर मैं बात करूँ, एंड प्रीटी कंफर्टेबल, बहुत कंफर्टेबल है। तो ये रहे SS के सुपर टेस्ट और इनका जो प्राइस है दीज आर 3300 रुपये में, 3300 में क्वालिटी ऑप्शन। इसको भी साइड में मैं यहाँ पर अभी रख देता हूँ, ये रहे ये SS के थे। अब चलिए नेक्स्ट स्टफ निकालते हैं और जो अगला स्टफ होगा वो होंगे लेग गार्ड्स। तो लेग गार्ड्स ये रहे SS के, ओहो निकलने में ही दिक्कत हो रही है इसमें, तो भाई कोई बात नहीं, एडिटर हमारा चीता है। One hour later, the next day. तो ये रहे लेग गार्ड्स फ्रॉम SS। और लेग गार्ड जब भी आप लेने जाए तो मेक श्योर करें कि लेग गार्ड्स भी, और लेग गार्ड्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है जैसे ग्लव्स में भी ब्रीदेबिलिटी होती है, लाइट होने चाहिए, सेम गोज विद द लेग गार्ड्स। लेग गार्ड जितने लाइट होंगे तो रनिंग बिटवीन द विकेट्स में उतनी आसानी होगी, येट कॉम्पैक्ट और सेफर कि अगर आप जब बॉल आपके पैड में हिट कर रही है एक्सट्रीम पेस डिलीवरी तो आपको फील होनी चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट लाइट वेटेड होने चाहिए। तो पैड्स में SS ने, SS के ये पैड्स मैंने स्किड बैग में इंक्लूड किए हैं और इनका जो स्मॉल का नाम है टेस्ट ओपनर, ये रहा आपका SS के टेस्ट ओपनर, प्रीटी लाइट, बहुत लाइट लग रहे हैं। और जितने हल्के होंगे, मैंने आपको पहले बोला जितने हल्के होते हैं पैड उतना ईजी पड़ता है, और ऑब्वियसली फुल साइज है ये और इसमें यूज साइज भी अवेलेबल है। आई थिंक SS के टेस्ट ओपनर सारे जो टिक बॉक्सेस हैं वो मार्क कर रहा है। और ये देखिए स्ट्रैप्स, देखिए ये बड़े इंपॉर्टेंट थे कि स्ट्रैप्स कितने क्वालिटी के हैं, कितने क्वालिटी के स्ट्रैप्स हैं, क्योंकि बहुत जल्दी अक्सर देखा होगा आपने साइड से फट जाते हैं, साइड से टूट जाते हैं और जल्दी आपका पैड खराब हो जाता है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और इसका जो प्रोटेक्शन है, जो कुशनिंग है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है किस लेवल की, और हाँ सबसे इंपॉर्टेंट कितने लाइट हैं, और ये आई थिंक काफी लाइट है, फेदर वेट लग रहे हैं। तो आई थिंक SS के टेस्ट ओपनर पैड आप अपनी किट में इंक्लूड करेंगे। तो ये रही SS के किट बैग भी मैंने साइड में रख दिए। चलिए नेक्स्ट अब आते हैं, नेक्स्ट आते हैं आप थाई गार्ड्स पे। ये रहे SS के थाई गार्ड्स और जो कि एरो लाइट, और मैंने पहले बताया था आपको कि बेस्ट थाई गार्ड्स इन द मार्केट राइडर और रेमफी के हैं, पर लेकिन अगर आपका बजट उतना नहीं है लाइक वो 19-20 हज़ार रुपये जाते हैं, लेकिन आपको SS की पूरी किट बना रहे हैं तो SS ने अच्छे उनके थाई गार्ड्स भी हैं जो के हैं एरो लाइट वर्जन में, और इनका प्राइस है लगभग 2000 रुपये में आपको क्वालिटी थाई गार्ड्स मिल जाएंगे जो आप देख सकते हैं फुटेज में। आई थिंक क्वालिटी, ये भी क्वालिटी है, SS का ठप्पा जहाँ लग गया तो आई थिंक दे जर्नली डिलीवर क्वालिटी प्रोडक्ट्स। और हाँ जहाँ पर भी वो थोड़ा सा यहाँ वहाँ करेंगे तो आई विल मेक श्योर आपको बताऊँ कि ये प्रोडक्ट मुझे पसंद नहीं आया। तो एज ऑफ नाउ SS का ये सारा स्टफ आई पर्सनली लाइक्ड इट। और अब चलिए, और इनफैक्ट ज़्यादा आपके सामने क्या बोलते हैं ये स्टफ, आई थिंक स्पेशली अगर आप कॉर्पोरेट लेवल खेल रहे हैं या फिर नया नया क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया है तो आई थिंक अभी आप इतना उसको वेयर नहीं करते होंगे, बट लेकिन आप जब एक्सट्रीम पेस खेलेंगे बाउंसी ट्रैक्स पर जहाँ बॉल लिटरली यहाँ आ रही है, हर बॉल छाती पे आ रही है, देन यू विल नीड अ चेस्ट गार्ड। तो ये चेस्ट गार्ड है और चेस्ट गार्ड लगाने के बाद आप और कंफर्टेबल महसूस करते हैं, आप पुल शॉट वगैरह खेल रहे हैं डेंजरस विकेट पे, खतरनाक बाउंसी पेसर्स के अगेंस्ट खेल रहे हैं, तो ये चेस्ट गार्ड भी SS का मेरे हिसाब से आपको यूज करना चाहिए। उसका प्राइस है 945 रुपीज में एक क्वालिटी स्टफ। प्रोटेक्शन वाइज अगर आप पूरे सिक्योर हैं तो हमेशा आपके परफॉर्मेंस में यू नो आप यू फील कंफर्टेबल, मोर कंफर्टेबल। और ये स्टफ, ये सारा स्टफ यू कैन असेंबल SS का। अब आई थिंक बैट्स को लेके, सबसे ज़्यादा बैट्स को लेके हम लोगों को अपना वो होता है लाइक फैसिनेशन होता है कि बैट्स हमारे कौन से होने चाहिए। तो ये सारे SS के किट बैग में सारे के सारे SS के ही बैट मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किए हैं राइट फ्रॉम, और कोशिश करा गया है कि 10 से 14 हज़ार से लेके लगभग 50-60 इकोनॉमी रेंज से लेके मिड रेंज से लेके और टॉप लेवल रेंज से लेके मैंने कुछ बैट्स में सेलेक्ट किए हैं जो कि आप मतलब आंख बंद कर ले सकते हैं, परफॉर्मेंस वाइज दे विल नॉट डिसअपॉइंट यू। और पहला बैट जो किट बैग में मैंने निकाला वो है SS का स्मैकर, और इसका जो प्राइस है
वो एक तो उसको बनाता है स्पेशल बैट, और मैंने आपको बताया इकोनॉमी से लेके हाई लेवल लाइक प्रीमियम रेंज वाले बैट मैंने इस किट बैग में एस एस के ही इंक्लूड करे हैं। और एक और खास बात है इस किट बैग की कि इसमें इस एस एस सुपर सेलेक्ट क्यों फेवरेट है अभी राइट नाउ सभी का, इनफैक्ट इंटरनेशनल प्लेयर्स का भी, चार बैट्स इसमें आप आसानी से रख सकते हैं। इससे पहले जो मैंने भी किट बैग यूज़ करे हैं, चाहे वो एम आर एफ हो, ग्रे निकल्स हो, या एस एस का इससे पहले जो डफल आता था पहले, या फिर बास वैम्पायर का भी, जनरली तीन बैट आराम से उसमें आ जाते हैं, लेकिन इसमें चार बैट का बहुत इजीली आप इसको रख सकते हैं। तो अगर आप ज़्यादा बैट यूज़ करना चाहते हैं, प्रेफर करते हैं, अपने पुराने बैट को भी कैरी करना चाहते हैं, नए बैट को कैरी करना चाहते हैं, तो दिस इज़ द बैग, फोर बैग इजीली, और आपको आप फुटेज में भी देख सकते हैं कि इजीली आप उसको कैसे रख सकते हैं, चार इजीली कंपार्टमेंट इसमें बने हुए हैं। चलिए एस एस का स्मैकर वाला बैट, इसका पिंग भी आप दे सकते हैं, और ये बैट आई थिंक बैलेंस वाइज और वेट वाइज मात्र 1155 ग्राम में एस एस स्मैकर क्वालिटी बैट है। तो ये मैंने एस एस की किट बैग में इंक्लूड किया ताकि आपको इसमें हेल्प हो कि आप बैट भी कौन से डालें एस एस के अपने किट बैग में, नए यूज़ कर रहे हैं एस एस स्मैकर्स का प्राइस है 14,000 रुपीज़, तो 14,000 रुपीज़ में एक क्वालिटी ऑप्शन, फर्स्ट बैट ये रहा। चलिए सेकेंड बैट भी आप किट बैग से निकालता हूँ मैं, अगेन स्मैकर का ये हायर वर्जन है, और स्मैकर सीरीज ने डिसअपॉइंट नहीं किया है, जितने भी स्मैकर में बैट आए एसएस ने निकाले हैं सारे वेल बैलेंस्ड हैं, अच्छे वेट डिसेंट वेट के हैं, एंड विद क्वालिटी प्रोफाइल, लाइक जो रिबाउंड क्वालिटी है इन बैट्स की ना एसएस स्मैकर में, चाहे वो 14,000 का बैट यूज कर रहे हो, 10,000 कर रहे हो, चाहे आप 28 का कर रहे हो, बहुत कमाल के बैट है, स्ट्रेट यू कैन सी स्ट्रेट ग्रेन्स, और ग्रेन्स में 7 से 8 ग्रेन्स आ रही हैं, और इस बैट का प्राइस है 28,000। अगेन स्मैकर मैंने इसमें सेलेक्ट किया है, तो इन दोनों में से आप कोई एक अगर आप प्रेफर करना चाहते हो वो यूज़ कर सकते हैं। ये बैट भी क्वालिटी, इसका पिंग भी बहुत कमाल है, अगेन क्वालिटी बैट, तो ये भी साइड में रख दिया, अगेन फ्रॉम एस एस। अब एस एस का आई थिंक एस एस का रिसेंट टाइम में ये बैट मुझे बड़ा पसंद आया, और उसके दो रीज़न, एक तो उसका बैलेंस प्राइस वाइज दोनों जगह ये सारे टिक बॉक्स करते हैं, और इसका जो डिज़ाइन है वो बड़ा कमाल है, लाइक अ स्नेक, लाइक अ कोबरा या पाइथन रूप में निकाला, एसएस का स्वॉर्ड, और 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस जब हिंदुस्तान की रिसेंटली कंप्लीट हुई तब निकाला गया था। वेट में हल्का सा हैवियर साइड है, 1190 है, लेकिन इस बैट को क्या चीज़ स्पेशल बनाती है, 1190 आपको लगेगा नहीं जब आप उठाएंगे, और टू बी ऑनेस्ट जितना ज़्यादा वेट होता है उतना ज़्यादा ताकत से बॉल जा सकती है, उतना ज़्यादा पावर जनरेट कर, ज़्यादा जनरेट करता है, तो जनरली प्लेयर्स जो पावर हिटर्स होते हैं हैवी बैट यूज़ करते हैं, लेकिन आप अगर इतना वेट प्रेफर नहीं करते हैं तो मेक श्योर करें जो बैट का पिकअप हो वो बड़ा कमाल हो, ताकि आपको लगे ना, मतलब आप जब बैट उठाएं आपको लगे 1150-60 का है वो, 1190 का, तो यू कैन जनरेट अ लॉट ऑफ पावर, लॉट ऑफ मीट। सी यहाँ पर डकबिल प्रोफाइल है बाय द वे, ये देखिए यहाँ से आप देखिए जो मीट है वो थोड़ा अपर साइड है, जो स्वीट स्पॉट थोड़ा अपर साइड है, तो जनरली जो बाउंसी ट्रैक्स हैं उनके लिए परफेक्ट, जहाँ थोड़ा बाउंस ज़्यादा हो रही है विकेट्स पे उनके लिए परफेक्ट है। डक बिल प्रोफाइल ये देखिए, बीच में स्वेल है, मिड स्वेल है, और जितना ज़्यादा स्पाइन, अगेन आई विल रिपीट, जितना बैट की स्पाइन होगी ना उतनी रिबाउंडिंग क्वालिटी आती है, बैट में तगड़ी क्वालिटी बनती है, क्योंकि उसके नीचे उतनी ज़्यादा वुड होगी, जितनी ज़्यादा वुड होगी उतने पावर से आप जनरेट कर सकते हैं शॉट्स। और जनरली मैं आपको बताऊँ, एक अच्छा बैट अगर आप ताकत से प्रॉपर ताकत से लगाएं तो 150 टू 160 किलोमीटर की रफ्तार से बॉल जा सकती है, मतलब इतनी आप पावर जनरेट कर सकते हैं, और मतलब स्पीड जनरेट करते हैं, और रही बात पावर की तो क्लोज टू 1 टन, ये मतलब ये फैक्ट्स हैं जो कि मतलब प्रूव हो चुके हैं कि आप इतने ताकतवर अब बैट्स बनने लगे हैं। उसका रीज़न ये है शेप, अमाउंट ऑफ वुड, कि आप 90s में चले जाइए, 70s में चले जाइए, तो आप यू कैन सी यहाँ प्रोफाइल, आप देखिए 70s 80s में कैसे बैट यूज़ होते थे, आप फुटेज में देख सकते हैं कितने पतले पतले बैट यूज़ होते थे, लेकिन आई थिंक जैसे जैसे क्रिकेट में एडवांसमेंट हुआ और आई थिंक बैट का जो शेप ज़बरदस्त हो गया बैट यार, तो आई हाफ अ हिट गॉन फॉर अ सिक्स, तो एस एस स्वॉर्ड क्वालिटी बैट इसको आप ले सकते हैं, इसका प्राइस है 22,000 रुपये में, अगेन क्वालिटी बैट, लेकिन थोड़ा वेट में हायर साइड, 1190 फील नहीं होगा, हैवी बैट यूज़ करते हैं, गो फॉर दिस वन एस एस स्वॉर्ड। अब दिस वन, दिस इज द मोस्ट प्रीमियम वन, मतलब इन चारों में चार बैट इस बैग में आप यूज़ कर सकते हैं, और ये है एस एस का विंटेज, स्ट्रेट अवे आप इसके ग्रेन्स अगर आप देखें तो इस बैट में अराउंड है 12 to 13 ग्रेन्स, और मैं अक्सर अपने वीडियो में रिपीट करता हूँ कि ग्रेन्स को लेके फैसिनेशन इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वुड साउंड कैसी कर रही है जब बॉल लग रही है बल्ले में, उसकी लाइक उसका बैलेंस कैसा है जब आप होल्ड कर रहे हैं बैट, आर यू कंफर्टेबल विद द हैंडल, लाइक ओवल यूज कर रहे हैं आप, राउंड कर रहे हैं, लेकिन आपको कंफर्टेबल होना है होल्ड करने में बैट, पिकअप शुड बी प्रीटी लाइट एंड इजी सो दैट यू कैन प्ले ऑल अराउंड द विकेट, तो ये बैट सारी चीजें पूरी करेगा। विंटेज 2.0 क्लासिक कलेक्शन है, 12 ग्रेन्स और फ्रॉम एसएससी का प्रोफाइल, और ये डकबिल नहीं है, ये नॉर्मल आप देखिए नीचे तक, इसमें इसका बॉटम में भी काफी
ज़्यादा वुड है लाइक, तो ये बहुत ज़बरदस्त है स्पेशली इंडियन कंडीशंस के लिए जहाँ पर बॉल इतनी बाउंस नहीं करती है। तो SS विंटेज पिंग इज क्वाइट फिनोमिनल और इस बैट के पहले 58,000 रुपीज़ में आई थिंक क्वालिटी बैट है SS विंटेज विच यू कैन ऑफ्ट फॉर। अब देखिए इस बैग में मैंने मतलब लाइक जानबूझ के सारे SS के आपको ऑप्शन दिखाए हैं इसमें, लेकिन ऑब्वियसली आपका प्रेफरेंस अगर कोई दूसरे ब्रांड है SG हो सकता है, ग्रेनिकल्स हो सकता है, कुकुबुरा हो सकता है, वो सारे आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप SS का पूरा किट बैग देख रहे हैं तो आई थिंक दिस इज द स्टफ विच यू कैन यूज़ लाइक द मेजर स्टफ जो आपको यूज़ करना है। अब हाँ आप बोलेंगे भैया एल गार्ड कहाँ है, वो तो यार आप किसी का भी यूज़ कर लो, कोई दिखेगा नहीं ना, वो तो अंदर रहेगा। नहीं मजाक कर रहा हूँ, वो भी SS का यूज़ कर लेना चलिए, जब पूरा SS किट बैग बनाया है। तो ये चार बैट्स, ये सारा स्टफ आई थिंक आप इसको असेंबल करें। और हाँ ज़्यादा आपको बता दूँ कि इस किट बैग का प्राइस है, सिर्फ किट बैग का प्राइस है 7,000 और बाकी कैलकुलेशन यू कैन सी इट हियर, ये कितने का आपको किट बैग पड़ेगा। और भी स्टफ़ है जो कि एक कंप्लीट किट जो आपकी बनाती है उसका मैं करने वाला हूँ। मैंने अपने पर्सनल किट बैग रिसेंटली जो मैंने चेंज कराया बिल्कुल फ्रेश स्टफ कुकुबुरा करा है, उस वीडियो को आप यहाँ देख सकते हैं क्लिक करके, कुकुबुरा की अनबॉक्सिंग मैंने करी थी। अब मैं करूँगा अपनी एक पुरानी किट बैग की अनबॉक्सिंग बहुत जल्दी, वो ग्रे निकल्स में यूज़ कर रहा था, MRF भी कर रहा था, टन डफल भी मैंने करी है, तो नेक्स्ट होगी ग्रे निकल्स की अनबॉक्सिंग करूँगा और उसमें कंप्लीट सामान जो होता है एक क्रिकेटर के पास जो होना चाहिए, चाहे बैट्समैन है बॉलर हैं, चाहे आपके वो बूट्स हों लाइक स्पाइक्स हो रबर स्टड हो, सारे के सारे मैं आपको दिखाऊंगा एवरीथिंग राइट फ्रॉम आपकी जब आप बैटिंग कर रहे हैं उसकी क्रीम से लेके एवरीथिंग वी विल डू इट। और जल्दी आप वो देखेंगे, आज SS कराए, बहुत जल्दी विल कम अप विद अगेन विद माय पर्सनल किट बैग जो कि ग्रीन निकल्स का है, और भी जो यूज करे मैंने वो सबकी अनबॉक्सिंग करेंगे विद अ कंप्लीट सेट ऑफ स्टफ जो कि एक आइडियल किट बैग में होता है। अभी राइट नाउ विदा लेते हैं। और हाँ सबसे जरूरी चीज, ये सब तो जरूर रखना अपने बैग में, एक टॉवल जरूर रखना क्योंकि बहुत सड़ी गर्मी है, तो मेक श्योर करें आप हाइड्रेटेड रहें। अच्छा हमको सिखा दिया है। और इस गर्मी में मेक श्योर करें कि आपके पास गेटोरेड हो या फिर जूसेस हो, मेक श्योर कि आपकी बॉडी में जूसेस फ्लो करते रहिए, अदरवाइज आप डिहाइड्रेट हो जाएंगे और गेम्स आउट हो जाएंगे, आपको बाहर जाना पड़ेगा। तो चलिए स्टे सेफ स्टे हेल्दी एंड मेक श्योर यू लाइक कीप सब्सक्राइबिंग स्पोर्ट लॉन्चपैड। हाँ क्रिकेट खेलते रहिए। सी यू।